तो हेलो गाइस, और अभी आप सभी का जो है स्वागत है। तो गाइस अभी लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही मौसम हमारा जो चंगा है गाइस, अभी अभी बारिश भी पड़ रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस इस वाले वीडियो में हम जो एक जुगाड़ू से जो 12 वोल्ट का हम जो चार्जर को बनाने वाले हैं गाइस, जुगाड़ू से बनाएंगे इसलिए बहुत ही कम पैसा इसमें जो हम लोगों का खर्च होने वाला है गाइस। सभी का लिंक में जो भी कंपोनेंट्स का यूज करूँगा सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले तो आप जो है ऑफलाइन मार्केट में जाके इसको पहले तो देख लेना, जो ऑफलाइन में मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन में आपको जो बहुत ही महंगा है जो पड़ने वाला है गाइस। तो पहले तो आप ऑफलाइन में इसको जो चेक कर लेना गाइस। तो चलिए हम जो वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से इसको बनाते भाई गाइस। बहुत इजीली जो है बन जाएगा, कोई भी बच्चा भी एक बना लेगा गाइस। दिवाली भी आ रहा है, दिवाली में हम इसको भी यूज में करने वाले गाइस, डेकोरेशन लाइट को इसको जलाने के लिए गाइस। और इससे आप लोग जो 7.5 DC मोटर भी इससे चला सकते हो गाइस, बहुत ही पावरफुल है जो हमारा चार्जर बनने वाला है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले लेंगे एक 3.5 का टुकड़ा, इसका लंबाई है 6.7, इसका जो होल का चौड़ा है वो 3.5 है गाइस। फिर हम दो चंदा मामा इस तरह का 3.5 के सीट से काट लेंगे गाइस। इसको हम जो इसका ढक्कन बनाने वाले कुछ इस प्रकार से गाइस। तो फिर गाइस इस ढक्कन को लगाने से पहले इसके ऊपर में कुछ तामझाम करेंगे। पहले तो खराब चार्जर हम ले लेंगे, खराब वाला गाइस। इसको इस तरह से निकाल के इसका मदरबोर्ड का हम लोग को जरूरत नहीं, इसका आगे का जो टूफिन है इसका हम लोग को जरूरत है गाइस। इसको रखते साइड में, तो इस टूफिन को हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाने वाले गाइस। तो गाइस दोनों पिन का मार्किंग लेने के लिए हम जो कोई भी मुंह में लगाने वाला क्रीम को लगा लेंगे गाइस उसके पिन में। फिर इस तरह से कुछ इसका जो मार्किंग ले लेंगे हम जो। तो फ्रेंड्स हमको जो मार्किंग के अकॉर्डिंग होल कर लेना है। होल करने के लिए आपको जो एक कैंची और आपको जो एक लाइटर की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ हम जो होल कर लेंगे गाइस। सिंपली इसको हीट करके इस तरह से हम जो इसको होल करें, इसी प्रकार से हम जो दोनों होल को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जो दोनों होल हो चुके हैं, इसको सिंपली इस तरह से लगा कर हम जो इसको जो फेविक्विक के साथ से चिपका लेंगे इसके साथ ही। तो फ्रेंड्स हमारा जो टूफिन चिपक चुका है, इसको रखते हैं अब साइड पर और चंदा मामा को लेते हैं। इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स को हम लगाने वाले हैं। इसमें हम जो वायर कनेक्टर को इस तरह को लगाने, इसका वर्किंग बहुत ही इजी है गाइस। इसको इस तरह से प्रेस करके होल के पास आ गया, होल में हमको जो वायर को डाल देना गाइस। फिर हमारा जो वायर इससे निकलेगा नहीं, सिंपली उसको प्रेस करके निकालना है। इसके स्क्रू को भी ज़्यादा टाइट नहीं करना, कम भी टाइट आपको जो नहीं करना गाइस। इसको हम जो चंदा मामा में फिट करने के लिए दो होल कर लेंगे। इसको यहाँ पे होल करने के लिए हम जो सोल्डरिंग आयरन की मदद से इजीली जो होल हो जाएगा गाइस। इसमें जो होल हो, इसको जो साफ सुथरा करने के लिए इस तरह कांची घुमा के इस तरह से वो कटर की मदद से साफ कर लेना है गाइस। तो गाइस साफ करने के बाद इसमें जो इस तरह से कुछ लगाने फिले तो इसकी स्क्रू को निकाल लेते हैं गाइस। स्क्रू को निकालने इस तरह का आपको जो वाशर ले लेना है गाइस। वाशर लगाने के बाद इस तरह से लगा के आपको जो है इस तरह से हम जो हमारा जो वायर कनेक्टर इसको जो सिंपली इस प्रकार से हम लगा लेंगे गाइस। इसी प्रकार से हम लोग को जो दोनों जो वायर कनेक्टर है दोनों को हम जो लगा लेंगे दोनों होल में। तो फ्रेंड्स हमारा वायर कनेक्टर रख कर रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ कमी की महसूस हो रहा था गाइस, इसमें क्या हम इसमें एक LED लगाने वाले हैं गाइस, LED इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे एक होल करेंगे, होल हो जाएगा गाइस। आप इस तरह का एक LED को लगा लेंगे इंडिकेटर, जब भी चार्जर चलेगा हमारा LED भी जो चलेगा, जो चार्जर ऑन है क्या ऑफ है हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो गाइस इस दोनों का तामझाम खत्म हो चुका है, इसको रखते साइड में। फिर हम लोग 12 वोल्ट का एक किट लेंगे। ये हमारा जो आउट पिन वाला पिन है दोनों, इसमें आप कैपेसिटर एक लगा हुआ है। फिर ये हमारा दो पिन जो इनपुट वाला पिन है, ये हमारा इसमें जो आपको AC 220 वोल्ट देना है, इसमें हमको AC वायर कनेक्ट करना है। तो दो इस तरह का वायर लेके हम AC वाला वायर को पहले तो कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से कुछ दोनों वायर को। फिर इसको उल्टा करके हम जो DC वाले को कैपेसिटर का माइनस और प्लस को देख के आपको जो सोल्डरिंग कर देना है। दो हमारा वो दोनों पिन हमारा जो क्या है DC वाला पिन है गाइस। इसको हमारा तमाम इसको अब अंदर में इस प्रकार से कुछ हम जो फिट करने वाले कुछ इस प्रकार से। तो गाइस पहले तो हम 12 वोल्ट को किट को पहले तो हम जो बाहर निकाल लेंगे। इसमें अच्छी तरीके से हम वायर में ग्लू को लगा लेंगे गाइस सभी में। फिर हम साइडों में भी ग्लू लगाएंगे। हमारा एक दो बार अगर गलती से गिर भी गया तो हमारा जो किट है गाइस हिले डुलेगा नहीं, खराब नहीं होगा जल्दी से एक दो बार अगर गिर भी गया गलती से। तो फ्रेंड्स फिर हम जो AC के दोनों वायर को जो हमारा जो है पिन है गाइस टू पिन, उसके साथ हम लोग सोल्डरिंग कर देंगे। इसका जो माइनस प्लस कुछ भी होता नहीं गाइस, कोई भी वायर को किसी के साथ आपको जो सोल्डरिंग कर देना। तो फ्रेंड्स हमारा जो सोल्डरिंग हो चुका है, सोल्डरिंग होने के बाद इसमें जो अच्छी तरीके से आपको इसमें ग्लू भी लगा लेना शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। फिर हम वायर कनेक्टर वाले को ले लेंगे। इसका जो हम LED का कनेक्शन पहले करेंगे, प्लस को प्लस की तरफ लेग को मोड़ देंगे, माइनस को माइनस की तरफ लेग को मोड़ देंगे गाइस। फिर जो हमारा प्लस वाला है उसको सोल्डरिंग कर देंगे, और हमारा जो माइनस वाला है उसमें हम जो 1K का एक रजिस्टर लगाएंगे, किस लिए हमारा जो LED है वो हमारा जो फ्यूज ना इसलिए गाइस। एक 1K का रजिस्टर लेके उसको जो सोल्डरिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 1K का रजिस्टर जो सोल्डरिंग करने के बाद कुछ इस तरह का आपको जो सोल्डरिंग करना है। फिर हम जो वायर को कनेक्ट करेंगे, हमारा ग्रीन वाला जो प्लस वाला वायर है आउटपुट वाला, जो येलो वाला है हमारा जो माइनस वाला है, दोनों को हम सोल्डरिंग कर देंगे वायर कनेक्टर के साथ। फिर इसमें भी हम जो अच्छी तरीके से ग्लू को लगा लेंगे शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। तो फ्रेंड्स आप हम दोनों ढक्कन को चिपका देते हैं फेविक्विक के साथ से हम जो चिपका लेंगे गाइस दोनों ढक्कन को। पहले तो हम टूफिन वाला को चिपका लेंगे इस तरह से अच्छी तरीके से। फिर हम जो वायर कनेक्टर वाले को जो हमारा आउटपुट वाला है उसको भी हम जो यहाँ पे जो चिपका लेंगे गाइस।
तो गाइस हमारा चार्जर जो है बनके रेडी हो चुका है गाइस, इस तरह का कुछ इसका लुक है। पहले तो इसमें हम कलर कर लेते, कलर करने में और भी ज़्यादा बढ़िया देखने को लगेगा, तो चलिए कलर करते हैं। तो गाइस हमारा जो कलर होके रेडी हो चुका है, इसमें जो हम सिल्वर कलर को करिए गाइस, अब लोग देख ही सकते इसके बोर्ड में जैसे ही लगा का हम जॉन करेंगे हमारे यहाँ पर ग्रीन लाइट चालू हो जाएगा गाइस। तो इसमें हम जो टेस्ट करके आपको देखा 12 वोल्ट दे रहा है, पहले तो मल्टीमीटर को 20 में सेट कर लेते डीसी। तो फ्रेंड्स हमारा चार्जर आप लोग देख ही सकते हैं जो है 12 वोल्ट दे रहा है, आई मीन हमारा चार्जर जो है गाइस ओके है गाइस। इसमें आप कुछ हम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं गाइस, पहले तो हम एक डीसी वाटर पंप को चेक करेंगे, जो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट इजीली चल जाता है गाइस, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आप लोग देख ही सकते जो वाटर पंप इजीली जो इसको चला लेगा गाइस। फिर हम जो कुछ इसमें जो बड़ा वाला मोटर को भी हम टेस्ट करने वाले 775 डीसी मोटर को भी गाइस। फिर हम लोग इस तरह का वायर को लेंगे, वायर को पहले तो वायर कनेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे पहले तो हम। तो वायर कनेक्टर करने के बाद हम जो एक 775 डीसी मोटर लेते हैं, इसको भी आपको जो चला के दिखाते हैं हमारा चार्जर, इसको भी जो चला लेगा गाइस, इससे आप जो फैन बना के इससे चार्जर से चला सकते हो गाइस इजीली। तो गाइस इस मोटर को तो इजीली है जो चला ले रहे गाइस, अब हम इसमें जो एलईडी को चला के देखते हैं। तो गाइस हमारा जो एलईडी बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है गाइस, आई मीन हमारा चार्जर जो ओके है गाइस, बहुत ही हमारा जो पावरफुल चार्जर बन चुका है गाइस ये। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोर से लाइक करना है, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए गाइस। तो और एक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।